ट्रेन से भोपाल आ रहे कुछ यात्रियों ने उज्जैन रेलवे स्टेशन पर 3 पुलिस कर्मियों पर 37,000 रुपए लूटने का आरोप लगाया है, जिसके बाद मामले में जीआरपी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीनों आरक्षकों को सस्पेंड कर दिया है और जबरदस्ती पैसे लूटने की धारा में प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि तीनों आरक्षक अभी फरार हैं। दरअसल आरोप है कि बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात करीब 2 बजे बंगाल के 4 मौलाना यात्रियों से उज्जैन रेलवे स्टेशन पर 3 जीआरपी के जवानों ने करीब 37,000 रुपए चेकिंग के दौरान ले। इसके अलावा उन्हें किसी भी केस में फंसाने को कहकर डराया और धमकाया गया। हालांकि इन चारों मौलानाओं ने अपने मुस्लिम समाज में इसकी जानकारी दी, जिसके बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने थाने पर पहुंचकर हंगामा किया। बताया जाता है कि रमजान के महीने में बंगाल निवासी अब्दुल वहीद, शेख रहमान, उमर खान और गयासुद्दीन अपने मदरसों के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए निकले थे। ऐसे में 28 मार्च को इंदौर से उज्जैन पहुंचे थे और उनके साथ ये घटना हो गई। एक्चुअली ये हुआ था जो उज्जैन के बाद जो हम स्टेशन में आए था ट्रेन पकड़ने के लिए, तो 3 जीआरपी पुलिस ने हमको बैग को सर्च करने के नाम से हमारे जो रुपया था 37,000 थे उसको चुरा लिया। हाँ, बोला तो आपको बैग सर्च होगा, तो हम पुलिस वालों को इसे विश्वास है, पुलिस वाले सर्च कर सकते हैं, इसकी इजाज़त है, हम छोड़ दिया। वो अपने तरफ से सबको सर्च कर दिया, रुपया को इकट्ठा करके हमारे जो मानी पास है सबको ले गया और हमको इधर भगा दिया और उसको रुपया लेकर हमको जो बिल विल है इकट्ठा दे दिया, तो हम देखा जो यहाँ से 37,000 नहीं है। ये 3 व्यक्ति, ये 4 व्यक्ति जो पैसेंजर जो बंगाल के रहने वाले हैं, जो मस्जिदों के लिए ये उसके मदरसों के पैसे इकट्ठे करते हैं, वो प्लेटफार्म नंबर 4 उज्जैन रेलवे स्टेशन पे बैठे थे भोपाल जाने के लिए। तो ऐसी सूचना मिली है कि उनसे 3 पुलिस वालों ने कुछ पैसे धोस दे के पैसे ले लिए हैं, तो उनके तीनों को सस्पेंड कर दिया गया है और ये कार्रवाई की जा रही है। पुलिसकर्मी अभी हमको नहीं मिल पाए, गैर हाजिर हो गए। सर कितने पैसे की? ये 37,000 रुपये बता रहे हैं।